नमस्कार, मैं इंतखाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ 111। जैसा कि हम आपको हमेशा अपने खास कार्यक्रम में सारे कॉलेजेस को दिखा रहे पटना में और वहाँ के स्टूडेंट से जान रहे हैं कि पॉलिटिक्स मतलब अगला देश का प्रधानमंत्री युवाओं में क्या है, छात्र में क्या है, छात्राओं में क्या है। आइए इसी तरह हम आपको IIBM कॉलेज में लेके आए हैं। यहाँ के छात्र छात्राओं से पूछते हैं कि उनके हिसाब से देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए और क्यों। आपको क्या लगता है, आप देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, राहुल गांधी नहीं। मोदी में ऐसा क्या है जो मोदी में बहुत कुछ है। क्या क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं अभी। क्या और आगे भी करेंगे अगर वो रहेंगे तो। क्या लगता है 55 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया? किया है बहुत कुछ, लेकिन जो मोदी किया वो उन्होंने नहीं किया जो पहले थे। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है नरेंद्र मोदी। जी हाँ। क्या लगता है आपको किसकी सरकार होनी चाहिए, प्रधानमंत्री देश का कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? उनमें कोई ऐसे लीडर क्वालिटी नहीं है इसलिए। तो नरेंद्र मोदी में ऐसे क्या योग आप देखती हैं? और बहुत उनके वजह से बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है और देश की बेटी को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने बहुत सारा बहुत कुछ किया है देश के। वही हम अगर कांग्रेस की बात कर ले तो 55 साल उन्होंने देश पे राज किया तो देश के लिए सारा कुछ किया जो नरेंद्र मोदी ने 5 साल में किया, लेकिन उससे पहले 55 साल तक। तो क्या लगता है अगर इस बार से कांग्रेस की सरकार बनती है तो मौका मिलना चाहिए क्या? नहीं, राजीव गांधी नहीं, कभी नहीं। तो क्या लगता है 5 साल अगर मौका दें हम नरेंद्र मोदी को, फिर तो अपना देश एक और पीछे चला जाएगा। नरेंद्र मोदी को अगर मौका दें तो वो बेस्ट रहेगा। इस क्या कुछ क्वालिटी देखती हैं आप अपने प्रधानमंत्री में ऐसा? वो बहुत अच्छे लीडर हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे सब कुछ डेवलपमेंट करना है और सारा कुछ वो, और जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है जो भी हमारा हमारी अर्थव्यवस्था में जब वो भी विकास हो रहा है सब उनकी वजह से हो रहा है। अगला प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। आपकी बात, आपको क्या लगता है बताइए। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, तो कितना हद तक इन्होंने सही कहा, नरेंद्र मोदी सही है, प्रधानमंत्री के योग्य है? जी बिल्कुल योग्य है, सब में अपनी अपनी क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, बट मुझे लगता है राहुल गांधी को एक बार और मौका देना चाहिए क्योंकि अभी वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुके हैं पहले से। तो नरेंद्र मोदी को हमने 5 साल देखा, अब 5 साल हमें बदलाव करके देखना चाहिए। क्या क्या कमियां दिखी नरेंद्र मोदी में भारत का प्रधानमंत्री? कोई कमी नहीं दिखी, कोई लैक ऑफ स्किल्स या लैक ऑफ कैपेबिलिटी नहीं है उनमें, बट मैं चाहती हूँ कि देश में बदलाव आए और थोड़े रिलीजियस इश्यूज़ कम हो। तो क्या लगता है इस बार जो 5 साल में भाजपा की सरकार बनाई तो कुछ देश में बदलाव नहीं हुआ, लोगों की सोच नहीं बदली? बदली, पर अभी भी बहुत ही लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है, तो हमें देखना चाहिए कि बदलाव करके क्या डेवलपमेंट हो रहा है क्या। तो अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। आपको क्या लगता है कितना सही बोल रही है? अगले प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए। राहुल गांधी क्यों? बिकॉज अगर हम फिर से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि देश आगे ही बढ़ेगा, हो सकता है कि वो और नीचे चला जाए। क्या लगता है 5 साल जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी उससे देश आगे बढ़ा है? कुछ तो आगे बढ़ा ही है, कुछ तो डेवलपमेंट्स हुए ही हैं। क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या से आगे? दोस्त नोटबंदी हुआ, कितने गरीबों की गरीबी बढ़ गई, बेरोजगार की आय देखें तो हम बढ़ चुकी है, तो क्या कुछ डेवलपमेंट किया नरेंद्र मोदी ने? तो ये एक कोशिश थी करने की कि इससे शायद देश सुधर जाए, पर अगर हम कमी हम लोगों में है कि हम लोग उस चीज़ को नहीं फॉलो कर पाए और नहीं उस चीज़ तक जो है जो वो करना चाहते थे उस चीज़ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए, तो कमी हम लोग में, पर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। में आप अगर मौका दें नरेंद्र मोदी को तो क्या कुछ कर सकते हैं वो देश के लिए? ऑब्वियसली वो अब तक जितना कुछ किए हैं उससे तो कुछ आगे ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। राहुल गांधी में ऐसी क्या कमी है जो प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है? इतने दिन तक राहुल गांधी रहे तो कुछ खास डेवलपमेंट तो हुआ नहीं इस वजह से। राहुल गांधी नहीं थे, गांधी परिवार था 55 साल से जो देश चला रहा था, लेकिन क्या लगता है राहुल गांधी युवा हैं, गांधी परिवार के हैं, उनका जो विरासत में समझिए तो राजनीति उनको हासिल हुई है, तो इस बार अगर उनको मौका दिया जाए तो क्या वो नरेंद्र मोदी से बेहतर कर पाएंगे देश के लिए? मुझे नहीं लगता। तो नरेंद्र मोदी।
क्या लगता है कितना सहमत हैं आप इनके बात से? जी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरे हिसाब से भी नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए। राहुल गांधी क्यों नहीं? क्योंकि आने वाले पिछले 5 साल में हम लोग उनको देख चुके हैं, कोई वैसा बदलाव, कोई वैसा चेंजेस नहीं हुआ जितना कि इन कंपैरिजन टू जितना नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। तो मोदी 5 साल की सरकार में ऐसा क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिला? उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए, डिमोनेटाइजेशन लाया, किसानों को बढ़ावा दिया और बाकी क्षेत्र में भी सर्विस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान दिया है, इंडस्ट्री बैठा है, इंडस्ट्री क्षेत्र में ज़्यादा। लेकिन नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के बाद भारत में सर्वे के अनुसार 50,000 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए। जी हम ये बेरोजगार हुए हैं बट उसके वजह से बहुत लोगों को, युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हुआ है और बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। तो क्या लगता है इस बार आप किसको वोट देंगे और देश का प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? मैं पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को वोट दूंगी और अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। आपका क्या मानना है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो अपना डिसीजन पे स्टैंड नहीं रह सकते। वो एक बात पे, एक होती है क्वालिटी कि वो अपना डिसीजन खुद से ले और एक बार में अपनी बात को कर ले, वो उनमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, वो क्लियर नहीं है अपने गोल को लेकर और उनमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी कितने योग्य हैं? बहुत हद तक योग है क्योंकि वो बहुत अच्छे वोकलिस्ट हैं और एक लीडरशिप की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वो बहुत अच्छा वोकलिस्ट होना चाहिए। अगर वो अपनी बात सामने वाले को बहुत अच्छे से समझाता है तो वो बहुत अच्छा लीडर है और वो क्वालिटी मोदी में है और वो डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है उनकी, इसलिए। तो क्या लगता है राहुल गांधी में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है? है लेकिन उस हद तक नहीं है, वो शायद अपना डिसीजन अपने से नहीं लेते हैं, बहुत हद तक अपनी माँ सोनिया गांधी और अपनी बहन प्रियंका गांधी से इन्फ्लुएंस होकर ही ले सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपना डिसीजन खुद से लेता होगा। अगला 5 साल अगर हम फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो क्या लगता है कितना विकास होगा देश का? जैसे हम मनमोहन सिंह को हमने 2 बार चांस दिया है, इन्हें भी देना चाहिए। 5 साल में उन्होंने कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा भी किया, लेकिन अगर 5 साल और देंगे तो एक टाइम पीरियड मैक्सिमम तो 10 साल का, उसके बाद एनालिसिस करने पर ही हमें करना चाहिए। लेकिन आपका कहना है अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। क्या लगता है कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही क्यों? क्योंकि उनके पास जो कैपेबिलिटी है, जैसे उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे स्कीम्स लेकर आए, मेक इन इंडिया, मेक इन डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी, सो आई थिंक कि वो डिजर्व करते हैं। कागजी स्तर पे ये सारी चीज़ें हैं या जमीन स्तर पे भी? जमीन स्तर पे भी देखने को मिलता है। अब जैसे कचरे की बात करें तो सफाई अभियान में उन्होंने बहुत कुछ किया है, स्वच्छ भारत अभियान को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ना सिर्फ उन्होंने सिर्फ कहा है बल्कि करके भी दिखाया है बहुत हद तक, सो आई थॉट कि उन्हें ही बनना चाहिए। 55 साल से पहले देश को जो है शासन चला रही थी कांग्रेस सरकार, तो अगर हम उसको फिर से लाएं तो उसमें क्या प्रॉब्लम दिख रही है आपको? कांग्रेस सरकार में ऐसी क्या कमी लगती है आपको? कमी नहीं बट हम ये रिस्क शायद लेने को तैयार नहीं कि वो अच्छा ही करेंगे, हो सकता है कि वो बेटर करे बट नरेंद्र मोदी को ही चांस देना चाहिए। क्या लगता है किसको आप जिताएंगे प्रधानमंत्री, आप किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी जैसा कि सबने कहा और मेरा भी ये ओपिनियन है। आपका क्या? हाँ, मेरा ही ओपिनियन है ये कि उनमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है राहुल गांधी में, वो बहुत कंफ्यूज्ड है अपने गोल्स को लेकर और जैसा कि मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि वो अपना डिसीजन खुद नहीं लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपना डिसीजन लिया था, 3 राज्य में पहले भी चुनाव हुआ है अभी, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 दिनों में किसान का कर्ज माफ़ कर देंगे, लेकिन जीतने के 24 घंटे के अंदर अंदर सारे किसानों का कर्ज माफ। तो क्या लगता है अगर वो बाकी राज्यों में उनकी सरकार बनेगी तो कर पाएंगे ना सर? अब ये 3 राज्यों की बात है और पूरे हम लोग जहाँ पूरे देश को लेकर चलना है हमें, तो 3 राज्य अलग बात है और यहाँ पे पूरे देश को लेकर चलना अलग बात है, तो मुझे वहाँ पे किए होंगे लेकिन मुझे एज माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता है कि ये वो कर पाएंगे। तो अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। क्या लगता है कितना सहमत हैं आप इनकी बातों से, अगर सरकार बनेगी तो किसकी बननी चाहिए और प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? सबसे पहली बात, हमारे अगले प्रधानमंत्री और आगे के भी टेंटेटिव प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब ही होंगे। इसके लिए मैं एक ही रीज़न देना चाहता हूं, जैसे कि मैं एक MBA का स्टूडेंट हूं और मेरा ये मानना है कि मुझे विदेश में जाके जॉब करना है, मेरा ड्रीम जॉब है कि मैं अमेरिका में जॉब करूँगा, तो क्या मैं जब मोदी की सरकार नहीं थी तो क्या मैं वहाँ जाके मेरी वो इज्जत हो पाती? नहीं हो पाती। आप लोग सब लोग नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ करते हो कि विदेश जाते हैं केवल
घूमते हैं, क्या आपको ये पता है कि विदेश जाने के नहीं, हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, हमें तो जो खबरें बनती लोग लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग करते हैं कि वो केवल घूमने जाते हैं। तो भारत देश के लोग हैं ना, भारत देश के लोग हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उससे हमारी विदेश नीति बहुत आगे चली गई है और जिसका फायदा हम लोग, हम जैसे स्टूडेंट्स को होगा, हम जैसे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को होगा, क्योंकि जब हम वहाँ जाएंगे जॉब करेंगे तो आसानी से हमें वहाँ रिस्पेक्ट भी मिलेगी और जॉब भी मिलेगी। तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ही बननी चाहिए। और मैं अगर राहुल गांधी की बात करूँ कि जैसे आपने कहा था कि उन्होंने 3 राज्यों का कर मुक्त किया है, तो क्यों, ये तो सरकार जो पैसा है वो मुफ्त कर रहे हैं, जो माफ़ कर रहे हैं वो पैसा हम टैक्स पेयर्स का है, क्यों वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए उस टैक्स पेयर्स के पैसे को लेके बाकी लोगों में बांट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास अगर ऐसा कोई स्कीम है जिससे आप कर दाताओं के पैसे को नहीं लेके अपने जो खजाने हैं उनमें से आप उसको लेके दें तो बिल्कुल होना चाहिए। क्या लगता है नरेंद्र मोदी ने अपने खजाने से लोगों की मदद की है? बहुत हद तक की है सर, बहुत हद तक की है, और इसीलिए मैं हमेशा सहमत हूँ कि नरेंद्र मोदी हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री ही होंगे। भारत का सर्वे किया जाए तो 8.5% लोग बेरोजगार हैं, खास के युवा हैं। कांग्रेस के टाइम में ये रेशियो 4.6 था, तो क्या लगता है ये अच्छे दिन हैं? सर ये देखिए, एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस। सो अगर आप बात करोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो जनसंख्या भी तो बढ़ा है, और दूसरा बात है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत हद तक आगे बजा रहा है, आपको बहुत सारी स्टार्टअप इंडिया है, ठीक है, आपको बिहार में भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिससे नए जो उद्यमी हैं उन लोग को बहुत अपने बिजनेस को आगे ले जाने में। आप किनको योग समझते हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल, मैं अभी के लिए भी समझता हूँ और आने वाले 10 सालों के लिए भी मैं उनको प्रधानमंत्री समझता हूँ। आपको क्या लगता है ये जो बोल रहे हैं कितना सच बोल रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं मतलब कुछ हद तक सही बोल रहे हैं, लेकिन ये मतलब वो सही नहीं है कि मतलब अगले प्रधानमंत्री भी वही बने, क्योंकि ये एक राजस्व हो जाता है। अगर राजस्व में ऐसा हो जाता है ना कि मान लीजिए मैं बना मतलब प्रधानमंत्री, फिर मेरा बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, मतलब ये विरासत की राजनीति हो जाएगी। हाँ, वो हो जाएगी। अभी मतलब कि हुआ है, मतलब चेंज होना चाहिए तभी मतलब उनको। तो क्या लगता है कौन योग्य है इस बार प्रधानमंत्री? इस बार तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन किए हैं जिसके चलते पहले लोगों का मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पगार था मतलब 30,000, तो वो लोग क्या कमाते थे मतलब 60,000, कैसे कि वो लोग मतलब जैसे ये आवासीय जाति जो भी बनाना था वो उस पर मतलब पैसा लेते थे। डिजिटलाइजेशन होने के कारण ये सब मतलब रुक गया है, ऑनलाइन हो रहा है जिसके कारण मतलब करप्शन थोड़ा कम हुआ है। अभी एक और चांस कहीं ना कहीं आपका माने तो नरेंद्र मोदी फिर, हाँ एक चांस देना चाहिए बस। क्या लगता है कौन? मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी ही फिट है प्रधानमंत्री पद के लिए, क्योंकि उन्होंने डिसीजन मेकिंग पावर बहुत हाई है, डिमोनेटाइजेशन भी लाया था उन्होंने। क्या फ़ायदा हुआ उससे देश को डिमोनेटाइजेशन लाया तो? सबसे पहले फ़ायदा हुआ कि रोजगार संबंधी युवाओं को जॉब मिला। कहाँ मिला? देश का सर्वे देखा जाए तो 7.8% जो लोग हैं करंट में नोटबंदी के बाद बेरोजगार हुए। तो क्या लगता है अगर राहुल गांधी बने तो युवाओं के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे? राहुल गांधी में वो एलिजिबल युवा हैं, राहुल गांधी में एलिजिबल कैपेसिटी नहीं है जितना कि होना चाहिए आज के दौर में। वो डिसीजन लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कौन आपके साथ? नरेंद्र मोदी। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री? डेफिनेटली नरेंद्र मोदी बनेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विकास किया है और आगे आने वाले 10 साल तक वही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अच्छा, क्या कुछ ऐसा विकास किया नरेंद्र मोदी ने जो 55 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई? कांग्रेस एक परिवारवाद पार्टी है, उनके आज तक कांग्रेस में कोई परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष पद नहीं लिया, और कांग्रेस में बहुत सारे स्कीम हुए जैसे कोल स्कीम, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जैसे बहुत सारे घोटाले हुए जिनके चलते देश के जनता ने उन्हें नकारा, और आने वाले 10 सालों तक दूसरा कोई विकल्प तो नहीं है। अगला प्रधानमंत्री आप भी नरेंद्र मोदी? बिल्कुल नहीं मानते हैं? बिल्कुल। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए जी, भारत का? अगला प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं, क्योंकि जैसा सभी ने बताया कि उनमें लीडरशिप की कमी है, और जहाँ की बात करें कि तजुर्बे की भी कमी है, नरेंद्र मोदी के पास ज़्यादा तजुर्बा और राहुल गांधी के पास थोड़ा कम तजुर्बा है, और इस पॉलिटिक्स के लाइन में तजुर्बे की कमी से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, परेशानियाँ हो सकती है। तो क्या लगता है अगर 5 साल और मौका दें नरेंद्र मोदी जी, देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम देखें कि वो डिफरेंट कंट्रीज से जाके अच्छा रिलेशनशिप किए हैं, जो कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम लोग के इस पॉइंट से अच्छा है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से हम लोग का रिलेशनशिप अच्छा बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है अभी के युवा के लिए। अगला प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। क्या लगता है इनकी बातों से, आप कितना सहमत है ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी होना चाहिए देश का अगला प्रधानमंत्री? ऑफ कोर्स सर, नरेंद्र मोदी विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया,
एंड किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सर बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो एक अगर किसी भी सभा में एक पेन नहीं कैरी कर सकता है तो हमारा देश क्यों कैरी करेगा। अब मैं क्यों दूँ नरेंद्र मोदी को वोट? आज से पाँच छः साल पहले किसी से बात करनी होती तो मिस्ड कॉल मारता था, आज वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तो क्या लगता है कि मोदी अगर आएंगे 5 साल मौका और देंगे तो क्या कुछ कर सकते हैं? ऑफकोर्स बहुत कुछ कर सकते हैं, और इन्होंने इन 5 साल में और बहुत कुछ किया है। हमारे रिलेशंस को बहुत अच्छे किए हैं अब्रॉड के साथ, बहुत सारे कंट्रीज़ आज हमारे सपोर्ट में हैं। अब हाल में ही एग्जांपल देख लो, पाकिस्तान के साथ जो भी इशू आई थी, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये किसका पावर? सिर्फ नरेंद्र मोदी का। अगला प्रधानमंत्री अब की बार फिर से मोदी सरकार। नमो नमो। जी हाँ, तो आपने देखा कि क्या राय है छात्र और छात्राओं की, क्या कुछ हो सकता है अगर 5 साल फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। तो इसी तरह की तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहे न्यूज़ 1 11। मैं इंतखाब कैमरामैन शिवम के साथ न्यूज़ 1 11। नमस्कार। न्यूज़ 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।